लाल कुआ के तराई पूर्वी वन प्रभाव के अंतर्गत नगर की एक आरा मशीन पर बीते रविवार की सुबह वन कर्मियों ने छापा मारा, जहां आरा मशीन पर अवैध शीशम और संगोन की 20 गिल्टे वन विभाग को बरामद हुए। वहीं वन विभाग ने उक्त आरा मशीन को सीज कर दिया। जिस ट्रैक्टर ट्रॉली पर गिल्टे गए थे उसके मालिक के खिलाफ भी वन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इधर डॉली रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि तराई पूर्वी प्रभागीय वनाधिकार संदीप कुमार के निर्देश पर नगर की आरा मशीन पर बीते रविवार की सुबह 8 बजे छापेमारी की गई, जहां आरा मशीन पर अवैध सागौन और शीशम के 20 गिल्टों से लादी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली उन्हें मिली, जिस पर उनके द्वारा आरा मशीन मालिक व ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ 26 फॉरेस्ट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आज आरा मशीन को सीज कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अवैध गिल्टे कहां से आए, किसके हैं, इसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। एक आरा मशीन में छापा मारा गया था जिसमें कि 20 लकड़ी के लॉक्स पाए गए थे। उन लोगों के अवैध पाने पर और आरा मशीन के परिसर में पाए जाने पर आरा मशीन को भी सीज किया गया है और एक ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर मौके पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसको भी सीज किया गया है। जांच के लिए कार्रवाई के लिए एक डिप्टी रेंजर को नियुक्त कर दिया गया है। शीघ्र ही जांच होगी और जो भी इस मामले में लिप्त हैं उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी।